हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ढोकला। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने बेसन लिया है, इस गिलास से मैंने एक गिलास बेसन लिया है, सूजी, हल्दी, चीनी, लेमन जूस, नमक, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और इनो। तड़के के लिए हमें चाहिए तेल, हरी मिर्च, सरसों, कड़ी पत्ता, चीनी, गार्निशिंग के लिए नारियल और हरा धनिया। बेसन को मैंने छान लिया है, अब इसमें हम सूजी डालेंगे एक चम्मच। मैंने यह पानी गुनगुना लिया है, आधा गिलास। पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे। ये मैंने बैटर बना लिया है, ये ज़्यादा ना पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। अब हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें स्टैंड रख देंगे और बॉईल होने देते हैं पानी को। प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। देखिए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच, हल्दी डालेंगे एक चम्मच, चीनी भी डाल देंगे एक चम्मच, आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट तक मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें इनो डालेंगे। एक चम्मच डालेंगे इनो और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। हम एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करेंगे। दस से बारह सेकंड हमने इसे फेंट लिया है। मैंने इस बटन में ऑयल से ग्रीस किया है, इसमें हम बैटर को डालेंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें ये बैटर रख देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, तो कवर हटा लेंगे। ढोकला को हम चेक कर लेंगे नाइफ से कि ये पका है या नहीं। देखिए ये अब रेडी है। हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको ये कच्चा लगे तो आप इसे और 10 मिनट पका लें। ये ढोकला ठंडा हो गया, इसे हम निकाल लेंगे चारों तरफ से। इसे मैंने प्लेट में रख दिया, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए ढोकला बहुत स्पॉन्जी हुआ है। ढोकला को मैंने पीसेस में काट लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें सरसों डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। फिर इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। फिर इसमें हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे।
नमक थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। ये तड़का ठंडा हो गया था तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब हम तड़के को इसमें डाल देंगे। ढोकले को मैंने हरा धनिया और नारियल से गार्निशिंग कर लिया है। आप इसे टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।